बरसात के समय जैसे जैसे चंबल नदी का पानी बढ़ता जा रहा है, वैसे ही चंबल नदी किनारे बसे गांव में जीव जंतुओं का भय एवं खतरा बना रहता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल जारी है। इसी बीच गरोड़ तहसील के गांव बालोदा के पास कोटडी में कल रात 13 फीट लंबा 5 क्विंटल वजनी मगरमच्छ को पकड़ा गया है। आए दिन इन गाँव में मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं, जिसे वन विभाग की टीम द्वारा समय समय पर पकड़कर चंबल नदी में छोड़ा गया है। ऐसा ही मामला मंगलवार की रात्रि में 10:45 बजे सामने आया, जब गरोड़ तहसील के गांव बालोदा के पास कोटडी में एक मगरमच्छ 13 फीट लंबा और 5 क्विंटल वजनी का देखा गया। जहां पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम एवं ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा गया और उसके बाद चंबल नदी के गांव बर्रम्मा के पास डूब क्षेत्र के चंबल में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम में वन रक्षक योगेश्वर मेहर, मुकेश कुमार मालवीय, सुनील कुमार जैन, हंसराज परमार, किशोर गोस्वामी व सुरेश हाड़ा गहलोत का विशेष योगदान रहा।